जी, अब हम नेक्स्ट स्पीकर जो हैं हमारे, उनको दावत देंगे, नदीम अख्तर साहब, द सीईओ, द फाउंडर ऑफ क्रिक लैब्स, प्लीज़ वेलकम नदीम अख्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, एंड आई एम वेरी थैंकफुल के कासिम अली शाह एंड उनकी फाउंडेशन ने इतना ज़बरदस्त ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, एंड टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, एंड आई थिंक सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के कुछ इस तरह का टॉपिक पे डिस्कशन करने की जो है वो हमें मौका मिला। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा कि हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट हमने क्या किया, प्रॉब्लम स्पेस को पकड़ा एंड फिर उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया। 2017 में हमने देखा कि क्रिकेट की डिजिटलाइजेशन के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा, यानी जो क्लब लेवल की क्रिकेट है या एकेडमी लेवल की है या आपकी गली मोहल्ले की जो क्रिकेट है उसकी डिजिटलाइजेशन पे कोई काम नहीं कर रहा, उस पर कॉन्टेंट पर कोई काम नहीं कर रहा, जो प्लेयर्स हैं उनको उनकी अपेयरेंसीज उनकी स्टैट्स कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसको मैं और मेरे फाउंडर उस्मान हम दोनों ने पिक किया और हमने इस स्टार्टअप को जो है वो 2017 में स्टार्ट किया, एंड हमें 2 साल लगे अपनी जॉब के साथ इसको बनाने में। हमने iOS, Android एंड वेबसाइट जो है इसका बिल्ड किया, एंड विद इन 2 ईयर्स जब हमने बना लिया तो हमने फर्स्ट जो इसका MVP की जैसे बात हुई, मोस्ट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, तो हमने राणा नवीदुल हसन जो पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं उनके साथ इस चीज़ को लॉन्च किया, एंड हमें बहुत ज़बरदस्त उसका जो फीडबैक मिला एंड जो उसकी डिजिटलाइजेशन थी, जो कॉन्टेंट क्रिएशन था, वो बड़ा ज़बरदस्त एंड इम्पैक्टफुल था, बिकॉज वो हेल्प कर रहा था राणा नवीदुल हसन की जो अकेडमी के बच्चे थे उनकी स्टैट्स देखने में, उनकी परफॉर्मेंसेस में, उनको पूरा बता रहा था कि हाउ दे आर प्लेइंग, एनीवन दे कैन लर्न फ्रॉम अदर प्लेयर्स एज वेल, कि दूसरे प्लेयर ने कैसे खेला एंड मेरी स्टैट्स क्या हैं, मेरी परफॉर्मेंसेस क्या हैं। एंड इसके साथ साथ एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेफिनेटली जब आप एक इम्पैक्टफुल कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे होते हैं या किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं और कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं वो लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, एक्चुअल में आपको फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर, आपको फोकस करना है कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें ना आगे बढ़ें। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे, एंड 2020 में हमने वसीम अकरम जो है उनको बोर्ड डायरेक्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर अपने साथ लिया, वो हमारे लिए एक बहुत लर्निंग कर्व थी कि किस तरह से आपने लेजेंडरी क्रिकेट या एक जो सेलेब्रिटी क्रिकेटर है उसको किस तरह अपने साथ अटैच करना, इटसेल्फ इट वाज अ लर्निंग फॉर अस एंड वी डिड दैट। एंड इस वक्त जो कंटेंट है, हम इस टाइम पे 107 मुल्कों में हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, जिसमें हम क्लब लेवल, एकेडमी लेवल एंड एसोसिएशन लेवल जो है क्रिकेट को डिजिटलाइज कर रहे हैं। एग्जांपल इज़ कुवैत क्रिकेट एसोसिएशन, जिस तरह से PCB है, सेम इसी तरह से कुवैत क्रिकेट एसोसिएशन को हमने फुली डिजिटलाइज किया है, फ्रॉम टॉप टीयर टू बॉटम टीयर, जिसमें उनका ग्रास रूट लेवल से लेके जो नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट है उसको हमने डिजिटलाइज किया, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ कंटेंट, बट इट्स अ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जो फाइनल मैं लास्ट जो बात करूँगा वो ये है कि आप कोई भी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है उसको उठाएं और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर दें, और कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, डोंट थिंक कि आप 1 महीने में 2 महीने में आप कुछ कर पाएंगे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, एंड फाइंड अ वे कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है, दैट इज़ सिंपल, आप अपना एक विजन सेट कर लें, अपना एक मकसद सेट कर लें और उस विजन एंड पर्पज़ के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर लें, एंड ऑलवेज लाइक प्रेफरेबल ये है कि सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे नौजवान जो हैं आजकल शॉर्टकट के बड़े आदी हैं, आई मीन 1-2 महीने एफर्ट की उसके बाद अगर कुछ रिजल्ट्स नहीं निकले तो छोड़ दिए चीज़ को एंड फिर नेक्स्ट वर्क स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में इस तरह से क्या होगा, आप मल्टीपल चीज़ों को तो टच कर पाएंगे बट आप कुछ एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बी फोकस्ड, कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएं, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें, बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है वो की है आपकी सक्सेस की। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन जिन्होंने हमें इनवाइट किया एंड ये अपॉर्चुनिटी दी। अस्सलाम वालेकुम।